जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। आज दिनांक 24 नवंबर 2022 है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के आलू के भाव की और कहां पर हो रही है युद्ध स्तर पर आलू की खुदाई। और आलू का जो भाव है वो क्या चल रहा है, पुराने आलू का और नए आलू का, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी में आमदनी लगभग आपकी आज 50 से लेकर 60 मोटर की है और कुछ लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि आमदनी 100 से लेकर 150 मोटर तक की होती है। भाई जो आपके मतलब कि गड और आपकी जो बीजा का माल है वो जितना भी पहुँच रहा है वो टोटल स्टॉक हो रहा है, उनको नहीं जोड़ते हैं। जो रनिंग का माल है वो 50-60 गाड़ी का है और वहाँ पे आराम से फास्ट बिक्री है, बढ़िया तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा है और संभवता है कि सोमवार तक दोनों प्रकार के आलियों में उछाल आ सकता है। बड़े खुश लग रहे हो चाचा, क्या राज है इस लहलाती धान की फसल का? इस खुशहाली का राज है फसलों का साथी न्यूट्रीवर्ल्ड का साडावीर, जो बढ़ाए फसलों की अंदरूनी ताकत जिसमें बीमारी लगे कम और पैदावार हो ज्यादा। साडावीर का है ये वादा, लागत कम मुनाफा ज्यादा। पर हो ज्यादा साडावीर का है ये वादा, लागत कम मुनाफा ज्यादा। मतलब दोनों प्रकार के आलूओं में सोमवार तक उछाल आएगा ऐसा लग रहा है, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो। अभी क्या है, 50-60 मोटर की आमदनी है वहाँ पे। आपका जो है आपका सफ़ेद आलू ख्याति पुखराज 37-97 जो है वो आपके 350 से लेकर और 400 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहे हैं। ऊपर में 425-30 रुपये प्रति मन के हिसाब से भी बिक रहे हैं। वहीं न्यू हाईलैंड की बात करें तो आपके 350 से लेकर 500 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहे हैं। और अगर वहीं बात करी जाए आपकी श्रीनाथ G4 की तो वो आपके 450 से लेकर और 550 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहे हैं। वहीं बात करें नए आलू की तो नए आलू की आमदनी जो है लगभग आपकी लगभग 3-4 हज़ार पैकेट पहुँचे हैं और भाव जो है आपका 700 से लेकर 800 रुपये प्रति मन के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है, 700 से लेकर 800 रुपये प्रति 40 केजी के हिसाब से। वही बात कर लेते हैं खुदाई जो है युद्ध स्तर पर कहाँ हो, खुदाई जो है युद्ध स्तर पर कहाँ हो रही है। लगातार 2-3 दिन से कंटिन्यू हम आपके नादेमऊ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं जहां पर आलू की अगौती फसल बारिश से पहले का आलू जो है उसकी खुदाई वगैरह जो है चालू हो रही है। इक्का दुक्का हमने पूरा का पूरा क्षेत्र घूमा तब मुझे 4-6 खेत खुदते मिल गए हैं। तो इसको हम लोग युद्ध स्तर नहीं कह सकते, युद्ध स्तर उसको बोलेंगे जिधर निगाह डालो उधर खुदाई होती नजर आनी चाहिए। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं यार नए आलू की खुदाई चालू हो गई है पुराने आलू का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपका ये और बचे हैं 2-4-6 दिन, इनको निपट लेने दो, उसके बाद देखेंगे किस आलू की वैल्यू है किस आलू की नहीं है। हालांकि उम्मीद है कि अगले 2-4-6 दिन बाद में आपके पुराने आलू के भाव में सुधार आ सकता है और नए आलू के भाव में भी आजकल में देखा ही गया लगभग 50 रुपये का उछाल है। नया आलू जो है आपका अभी तक बिक रहा था जो है 750 लेके 850, अब तो इक्का दुक्का 900 भी बिक रहे हैं। मतलब ऊपर नया आलू अभी भी पता नहीं, जिसकी किसी नई की दुकान पे जाएगा तो वो और ऊपर बिक सकता है, मतलब अच्छी तरीके से अच्छे भाव में बिक जाता है। और मतलब कि जो बराबर आ रहा है तो आपका 750 लेके 850 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से आलू बिक रहे हैं छिबरामऊ की मंडी। और छिबरामऊ की मंडी में धोखे धड़े में 100-150 पैकेट आ जाते हैं आजकल। लेकिन कुछ लोग क्या है छिबरामऊ की जो छोटी मंडी है मतलब थोक वाली वहाँ पे जाके दिखाते हैं कि यार ये भाव वो भाव, वो कोई मतलब नहीं होता है। हमारी जो बड़ी मंडी है उसमें आलू आना चाहिए, वहाँ का क्या पोजीशन है वो पता चलना चाहिए, ठीक है साहब। अभी क्या है कि मैं देख रहा हूँ लोग बात को नहीं समझ पा रहे हैं और अभी छिबरा मंडी में कोई ख़ास आलू नहीं आ रहा है और ना ही तो 15 दिसंबर से पहले आना प्रारंभ हो पाएगा। हालांकि जिन जिन किसान भाइयों के बारिश से पहले के आलू हैं वो लोग अपनी खुदाई जो है इसी महीने के लास्ट तक या 1-2 तारीख को शुरू करने वाले हैं।
और आपके आगरा क्षेत्र में 750 से लेकर 850 रुपए ऊपर में एक आध दो गाड़ियाँ 900 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से लोडिंग हो रही है। और वेस्ट बंगाल में थोड़ा भाव जो है डाउन हुआ है और युद्ध स्तर की खुदाई कहीं नहीं चल रही है। ये तो सब बातें हैं, कहीं भी इंसान कुछ भी कह सकते हैं। तो आपके क्षेत्र में और आपका कितना आलू बचा है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।